कोरोना से कब मिलेगी मुक्ति? लॉकडाउन से लोगों के काम धंधे चले गए, आमदनी बंद हो गई, और उसके ऊपर देश भर में जो हमारे निजी स्कूल हैं वो पेरेंट्स के ऊपर फीस देने का दबाव बना रहे हैं। पूरा देश जो है वो इस टाइम इन सारे सवालों से उलझा हुआ है। अब देखने की बात ये है कि क्या निजी स्कूल कम से कम अप्रैल, मई और जून 2020 की जो फीस है उसको वेव ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या ये इस हालात के अंदर इसको वेव ऑफ करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? मेरा ये समझ है कि जो हमारे निजी स्कूल्स हैं वो उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अप्रैल से जून 2020 की फीस जो है वो वेव कर दें, क्योंकि स्कूल बंद है, काम धंधे है नहीं, लोगों की इनकम नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों को जॉब से भी निकाल दिया है। तो आज के वक्त में पेरेंट्स को जायज मतलब दिक्कत है इस क्वार्टर की फीस देने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको, जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको जो सैलरी देने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि उनको किसी तरीके की भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सैलरी देने में उनको कोई दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 22 साल के अंदर 1997 ऑनवर्ड्स लगातार फीस को लेके पूरे देश में लड़ाई लड़ी है। और हमने ये देखा है कि आमतौर पर जो निजी स्कूल हैं वो जो फीस चार्ज करते हैं वो कम से कम 50% जो है वो नजायज़ फीस चार्ज करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है उनको। उसके ऊपर जो है सब लोग जानते हैं कि इल्लीगल डोनेशंस भी इकट्ठा करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो एक एडमिशन के ऊपर 3 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक एडमिशन के डोनेशन के नाम से लेते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कूल कम से कम 3 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपया एक साल के अंदर डोनेशन के नाम से इकट्ठा करते हैं। यही वजह है कि ये अगले साल के अंदर फिर कुछ नए स्कूल खोल लेते हैं, और ये पूरा धंधा पैसा कमाने का है। कहने को तो शिक्षा जो है वो इसमें नॉन कमर्शलाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटरिंग का एरिया है कानूनन तौर पे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये बहुत बड़ा एक मुनाफा बनाने की एक जो है संस्था बन गई है। तो ये जो स्कूल्स हैं ये इनके पास काफ़ी पैसा है जो ये 3 महीने जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे सकते हैं। इनके पास रिजर्व फंड होता है 3 महीने की तनख्वाह का, इनके पास जो है वो जो डेवलपमेंट फंड है वो अनयूटिलाइज्ड करोड़ों रुपये पड़ा रहता है, इनके पास सरप्लसिस बहुत सारे बहुत बड़ा अमाउंट पड़ा रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जो ये कहना है कि ये 3 महीने की सैलरी कहाँ से दें, इनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो इनको पूरी तनख्वाह देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इसको कैसे लागू किया जाए। ये तभी लागू हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस निकाले, एक लीगल ऑर्डर पास करे, हैं, और उसके अंदर ये क्लियर डायरेक्शन दे हिंदुस्तान के सारे स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को, कि वो ये 3 महीने की फीस जो है पेरेंट्स से नहीं लेंगे, और उनके पास जो भी पैसा रिजर्व फंड में, सरप्लस में या और किसी अकाउंट में जहाँ भी है उसको वो पूरी सैलरी जो है टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को दे, हैं। तो अगर इस तरीके का कोई कानून इस तरीके का पास करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि इसको लागू ना किया जा सकते। दूसरा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करे कि इस साल कोई भी प्राइवेट स्कूल 1 रुपया भी फीस के अंदर बढ़ोतरी नहीं करेगा। अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो
पेरेंट्स हैं, जो हेल्पलेस पेरेंट्स हैं, जो मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, है? मुझे लगता है कि ज़रूरत है उनकी मदद की, और सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कहूँगा स्टेट, अपने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूँगा मैं कि प्लीज़ इस मामले में जो है आप इंटरवीन करिए और एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस तुरंत आप इशू करके हिंदुस्तान के लाखों जो हेल्पलेस पेरेंट्स हैं, मजबूर पेरेंट्स हैं, दुखी पेरेंट्स हैं, उनकी मदद के लिए आप आगे आए। धन्यवाद।